हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम इंडियन ज्योग्राफी, भारत के भूगोल यहां पे हम पढ़ रहे थे, जिसमें 225 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कवर करा चुका हूं, जो कि हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, पीएससी, व्यापम, पुलिस कॉन्स्टेबल, महिला पर्यवेक्षक, छात्रावस्था, देखिए कोई भी एग्ज़ाम पर जैसे तैयारी कर रहे होंगे, कोई भी स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का, सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। करंट अफेयर्स का सेक्शन 7 से 8 क्वेश्चन तो मिनिमम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। तो 225 क्वेश्चन मैं पिछले क्लासेस में कवर करा चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा। 226 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे आज के सेशन में। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के जो सीमा है आपके, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील, नाम सुने होंगे, तो ये झील जो है विक्टोरिया झील से नहीं लगती है, कहने का मतलब यही है। तो कौन से देश के जो सीमा, जो अफ्रीका के सबसे बड़े जो झील विक्टोरिया झील, जो कि अफ्रीका के सबसे बड़ी विक्टोरिया झील के साथ सीमा साझा नहीं करती है, इस झील से नहीं लगती है, तंजानिया, रवांडा, युगांडा या केनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रवांडा, भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखेंगे तो अफ्रीका के सबसे बड़ी झील आपका विक्टोरिया लेक है, इसको याद रखिए। तो इसके साथ आपका नहीं लगती है, इस झील से यहाँ पे सीमा साझा नहीं करती है, रवांडा से सीमा साझा नहीं करती, बाकी तंजानिया, युगांडा, केनिया ये सभी है इसके आपका सीमा साझा करती है। अगर देखेंगे रवांडा की बात करूँ तो रवांडा तो जो आपका जो रवांडा इससे साथ सीमा साझा नहीं करती है। विक्टोरिया लेक की बात करूँ, विक्टोरिया झील आपका 68,800 किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, और आपके सबसे ज़्यादा केनिया जो देश है, केनिया देश इसके साथ सीमा पे आपका जो आपका विक्टोरिया लेक आपका स्थित है। और अफ्रीका की झीलों में से सबसे बड़ी झील इसको कही जाती है, अफ्रीका के सबसे बड़ी झील इसको जाना जाता है विक्टोरिया झील, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, इसको कल भी कवर कराया था मैं, अफ्रीका को अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह लंबे समय तक अज्ञात रहा भी है, और सेकंड है आपका महाद्वीप के लोगों की त्वचा का रंग ये आपका सांवला होता है, तो केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, ना तो एक ना ही दो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल बताया था अफ्रीका के जो अंधकार महाद्वीप के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, क्योंकि लंबे समय तक इस आपका ज्ञात रखा है, अभी भी जो वैज्ञानिक यहाँ की पूरी खोज नहीं कर पाई है, आपके जो प्राकृतिक देन की वजह से आपका इसका राज अभी तक ओपन नहीं हुआ है, इसलिए इसको अंधकार महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, केवल एक इसका करेक्ट आंसर हो, कल इसको और अच्छे से बताया था मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे विक्टोरिया झील के बारे में, विक्टोरिया झील के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन यहाँ पे सही हो जाएगा, तो भूमध्य रेखा इससे होकर गुजरती है, जो विक्टोरिया झील के बारे में सही कौन सा कथन है, तो आपको भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है, यह व्हाइट नील नदी का उद्गम स्थल है, तो साथ ही साथ आपको व्हाइट नील नदी का भी उद्गम स्थल माना जाता है, केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, न तो एक ना ही दो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, एक और दो, दोनों इसका करेक्ट आंसर हो, तो भूमध्य रेखा से होकर गुजरती है विक्टोरिया लेक से, ये व्हाइट नील नदी का भी उद्गम स्थल इसको माना जाता है, लगभग 68,800 किलोमीटर के जो आपका विक्टोरिया जो है आपका ये आपका फैला हुआ है, जो कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील इसको कही जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, निम्नलिखित अफ्रीकी देशों को उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो आपका अल्जीरिया, मिस्र, मोरक्को, लीबिया, इसको जी ये जो जितने भी आपके अफ्रीकी देश है इसको उनकी भौगोलिक स्थिति के आधार पर पश्चिम से आपके पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है, तो ये आपका मोरक्को पहले आ जाएगा, मोरक्को, मोरक्को के बाद आपका मोरक्को आ जाएगा, मोरक्को के बाद आपका अल्जीरिया, मोरक्को, अल्जीरिया, और आपका लीबिया, और लास्ट में आपका मिस्र, मतलब ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो आपको पश्चिम से पूर्व को इसको व्यवस्थित करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा, अल्जीरिया,
दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया या आपका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रख, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे बड़ा जो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया हो जाएगा, इसको याद रखिए। यहाँ की जो आबादी देखेंगे 3.7 जो कि आपके यहाँ की आबादी है, और यहाँ की राजधानी क्या है, अल्जीरिया की राजधानी आपका अल्जीरियर्स यहाँ की राजधानी है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो अब्देल अजीज, जो कि अब्देल अजीज यहाँ के प्रेसिडेंट है, जिसको याद रखिए। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते यहाँ पे, अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या आपका नाइजीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, इसका करेक्ट आंसर। तो अफ्रीका का सबसे जनसंख्या वाला देश आपका नाइजीरिया, जहाँ पे जो लोग हैं सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, तो जनसंख्या वाला देश आपका नाइजीरिया है। बात करते हैं यहाँ पे नाइजीरिया की, अगर बात करते हैं यहाँ पे नाइजीरिया की, यहाँ की अबूजा, अबूजा यहाँ की राजधानी है, और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो आपका मोहम्मदू, जो आपका बहुरी है, मोहम्मदू बहुरी यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, जिसको याद रखें। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अफ्रीका देश में जो आपका नाइजीरिया में, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग यहाँ पे निवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विक्टोरिया फॉल्स, जो विक्टोरिया जो जलप्रपात है आपके जाम्बिया और खालिस्तान के बीच में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, आपका मोजम्बिक या आपका बोत्सवाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे, इसका करेक्ट आंसर। तो विक्टोरिया जो लेक है ये आपका जाम्बिया देश और आपका जिम्बाब्वे, ये दोनों देशों के बीच में आपका स्थित है विक्टोरिया फॉल्स, जिसको विक्टोरिया जलप्रपात या उसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से होकर गुजरती है। तो निम्न भूमध्य जो रेखा है, कौन से देश जो अफ्रीकी देश से होकर गुजरती है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजीरिया, अंगोला या चाड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपके जितने भी जो कांगो जो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, ये आपके जो भूमध्य रेखा है अफ्रीकी देश से होकर गुजरती है। अगर देखेंगे तो आपका जो अफ्रीकी देश में आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ये आपका कांगो हो जाएगा, कांगो के बाद आपका युगांडा, युगांडा के बाद आपका केनिया आ जाएगा, केनिया के बाद आपका सोमालिया और आपका गाइवान। ये सभी जो देश जो अफ्रीका देश आपके, ये सभी आपका अफ्रीकी देश से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा से, इस अफ्रीका देश से होकर गुजरती है। इसका ये ऑप्शन कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के अंतर्गत आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। कौन सा जो देश है जो कि अफ्रीका जो महाद्वीप है इसका हिस्सा नहीं है, तो सेनेगल, तंजानिया, ब्रुनोई या बुरुंडी। तो यहाँ पे बोला गया है कौन सा जो देश है जो कि अफ्रीका महाद्वीप का हिस्सा नहीं, इस महाद्वीप का हिस्सा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रुनोई जो देश है इसका हिस्सा नहीं, मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कौन सा जो महाद्वीप पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन सा जो महाद्वीप है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दोनों ए और बी दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो पूर्णतः जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी अमेरिका आपका स्थित है, साथ ही साथ आपका दक्षिण अमेरिका भी आपका स्थित है। कर्क रेखा, कर्क रेखा निम्नलिखित किस अफ्रीकी देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको मारिटानिया, मोरक्को, मिस्र या लीबिया। तो यहाँ पे साफ साफ दम बोला कर्क जो रेखा है आपका, कौन से जो अफ्रीका के देश में जो बसे हुए हैं जिससे होकर नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा कौन से अफ्रीकी देश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपके मारिटानिया, जो मारिटानिया देश से अफ्रीका के अंतर्गत आती है, इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मोरक्को, मिस्र, लीबिया, ये सभी देशों से आपका गुजरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वह महाद्वीप जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा गुजरती है, तो कौन सा है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका जो अफ्रीका जो महाद्वीप है इससे ही होकर आपका कर्क रेखा, विषुवत रेखा और कर्क रेखा आपका गुजरती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका को
अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली जनसंधि कौन है? तो बाब अलमंदब, जिब्राल्टर, पाक जल डमरू मध्य, या आपका हारमुज जल डमरू मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाब अलमंदब। इसको लाल सागर भी इसको बोला जाता है, इसको याद रखे। तो अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाली जनसंधि या तो लाल सागर है, या तो इसको बाब अलमंदब इसको बोला जाता है, जो कि बहुत ही इसको खतरनाक बोला जाता है। तो इसको याद रखे, अफ्रीका को एशिया करने वाली जनसंधि लाल सागर बाब अलमंदब के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे विश्व का सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा, सभी जानते होंगे सहारा का नाम, सुने हो, कई बार एग्जाम में भी आया हुआ है। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान आपका सहारा मरुस्थल है, जो आपके कौन से महाद्वीप में स्थित है? दक्षिणी अमेरिका, एशिया में, या आपका अफ्रीका में, या आपका ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा या आपका अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो विश्व का जो बड़ा गर्म जो रेगिस्तान है सहारा, ये आपके कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो आपका जो यहाँ पर जो सहारा जो शब्द है, जो सहारा शब्द है आपका अरबी भाषा से आया हुआ है, अरबी शब्द से, ये आपका अरबी शब्द है, यहाँ से लाया गया है। और देखेंगे तो सहारा मरुस्थल बहुत ही, जो सहारा मरुस्थल है आपका बहुत ही गर्म है और अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है। याद रखिए अफ्रीका के उत्तरी भाग में स्थित है, और अटलांटिक महासागर और आपके लाल सागर तक ये आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से स्थल से घिरा समुद्र है? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जो स्थल है जो कि पूरी तरह से घिरा हुआ है स्थल से? अरल सागर, तिमोर सागर, लाल सागर, या बाल्टिक सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपका जो अरल सागर है, ये जो स्थल पूरा आपका स्थल से घिरा हुआ समुद्र है, अरल सागर। इसको याद रखें, इसको अरल से इसको बोला जाता है, जो कि आपका मध्य एशिया, मिडवल जो मध्य एशिया में स्थित एक झील भी इसको है, झील कहा भी जाता है इसको। तो बड़े आकार के होने के कारण जो आपका जो अरल सागर है, आपके बड़े आकार होने के कारण इसको सागर कहते हैं, लेकिन आपके इसको वहाँ पे लोग इसको लेक बोलते हैं। तो इसको याद रखिए, झील बोला जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा लवणीय झील भी इसको कहा जाता है, लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा इस झील में पाई जाती है, जो कि आपका भूमध्य, आपका मध्य एशिया में आपका स्थित है। तो इसको याद रखिए, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो आज का सेशन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। अगर आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं मेरे से, तो बढ़िया मन लगा के पढ़िएगा, बहुत सारी वैकेंसी अभी आने वाली है, तो तैयारी में लग जाइए। नहीं कर रहे हो तो मस्त 8 से 9 घंटा आपको टाइम देना है, और मान के चलिए बढ़िया सिलेक्शन लेना है, बढ़िया मेहनत कीजिए। दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आ चुके हैं, तो उसको भी फॉर्म भर लीजिएगा। अभी 31 तारीख 31 सितंबर तक डेट है, और 1 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।